नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। और राजस्थान में काफी उठाव पटक चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री सीधा प्रधानमंत्री पर हमला कर रहे हैं कि वो मित्र बनकर छुरा घोंपते हैं। प्रधानमंत्री पर कई हमले किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो उनको कैसे बांधे हुए है। दोहराई है उन्होंने ये बात, दोबारा कही है, कल भी कही थी और आज फिर से इस बात को दोहराया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से उन्हें कोई प्रेम किसी तरह का नहीं है। वहीं ईडी के छापे को लेकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर दिन भर बयानों की बरसात हो रही है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि इससे, यानी कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। दरअसल शेखावाटी में आने वाले इस इंस्टीट्यूट में जो उनके मालिक हैं, ऑनर हैं, उनसे डोटासरा के करीबी रिश्तों की बात अक्सर चर्चाओं में रहती है। इस बीच राहुल गांधी की राजस्थान से चुनावी यात्रा की शुरुआत के अब 2 दिन बचे हैं। परसों राहुल गांधी 9 तारीख को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे और बेनेश्वर धाम से एक बार फिर से बांसवाड़ा से वो राजस्थान में चुनावी आगाज करेंगे। ये तब और भी दिलचस्प हो जाता है जब राहुल गांधी आज अपनी संसद की सदस्यता बहाल करवाने में सफल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी इसका जश्न मना रही है। जश्न राजस्थान में जिलों में मनाया गया आज जिलों की स्थापना दिवस के रूप में, और नए जिलों में आज काफी धूमधाम से एसपी कलेक्टर ने पदभार संभाला। और भी बहुत कुछ हो रहा है राजस्थान में, लेकिन इन सब से इतर आज हम चर्चा करने जिस विषय पर जा रहे हैं वो है बीजेपी का जिलेवार घोषणा पत्र। कांग्रेस पार्टी की लगातार एक के बाद जो बड़ी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं और जो लोगों की, गरीब लोगों की मदद के जितने प्रयास किए जा रहे हैं, जन कल्याणकारी राज्य का जो संदेश देने में अशोक गहलोत कामयाब बताए जा रहे हैं, उसका जवाब निकाला है आकांक्षा मत पेटियां, आकांक्षा पेटियां। चुनाव से पहले परिवर्तन यात्रा, इससे पहले 2 बार पिछले 2 चुनावों में राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, लेकिन इस बार परिवर्तन यात्रा वसुंधरा राजे नहीं बल्कि 3 परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी और उन 3 परिवर्तन यात्राओं के साथ साथ आकांक्षा पेटियां रखी जाएंगी। यानी कि जिलों में लोगों से पूछा जाएगा, पूरे राजस्थान प्रदेश के लोगों से पूछा जाएगा कि अगर बीजेपी की सरकार वो बनाना चाहते हैं तो उनकी आकांक्षा क्या है, अपेक्षा क्या है, वो क्या चाहते हैं। घोषणा पत्र उसके बाद तैयार की जाएगी, तैयार किए जाएंगे जनमानस की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। राजस्थान में बीजेपी का ये प्रयास कितना सफल होगा, इसमें क्या कुछ किया जाएगा, कितनी मेहनत, कितनी मैन पावर लगेगी और उससे वाकई में जो घोषणा पत्र बनेगा वो जिलेवार घोषणा पत्र बीजेपी किस रूप में सामने लाएगी, आज हम विस्तार पर इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ बीजेपी से माधुराम चौधरी, कांग्रेस से अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा, राजीव जैन और हमारे सहयोगी शिवत्सन जी राजस्थान में जयपुर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में माधुराम चौधरी जी आपसे ही करना चाहूंगी, बीजेपी जिलेवार घोषणा पत्र कितनी तैयारी हो चुकी है या शुरुआत कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क जो आपने पहले पार्टी के स्तर पर होना चाहिए वो कर लिया गया है, क्या कुछ चल रहा है अभी इस जिलेवार घोषणा पत्र को लेकर, आज की स्थिति क्या है? अरुण शर्मा जी, बीजेपी का जो जिलेवार चुनावी घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी किस रूप में देखती है इसे? इसको कोई रूप समझते नहीं है, ये एक महज एक गिमिक है। वो इसलिए मेरे पास कारण है ये कहने के लिए। देखिए डॉक्टर मीना, ये स्पष्ट है कि पिछले 4 साल से भारतीय जनता पार्टी ने, उनके प्रवक्ताओं ने, कभी भी आपने नहीं सुना होगा, जगदीश जी भी यहाँ बैठे हैं और भी पैनलिस्ट हैं, किसी ने नहीं सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी पिछला जो शासन था वसुंधरा मैडम का, उसका जिक्र कर रहे हैं, है ना। हमने तो नहीं सुना, यहां तक 4 साल तक तो इन्होंने वसुंधरा मैडम का ऑफिशियली नाम भी नहीं लिया कभी। ये हमने सबने देखा है, पोस्टर में से उनकी फोटो गायब थी और जिस तरीके का व्यवहार चल रहा था वो सबके सामने है।
देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने अगर सरकार में है तो आज के काम के भरोसे वो वोट मांगती है, और विपक्ष में है तो वो पिछला कार्यकाल लोगों को याद दिलाती है कि देखिए वो कितना सुनहरा कार्यकाल था, हम उससे आगे बढ़ के ये करने वाले हैं। मैंने आपको बताया, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर मीना, कि पिछले कार्यकाल से वसुंधरा जी की किसी ने तुलना तो कभी की नहीं है, पर अगर तुलना करने की जरूरत पड़े आंकड़ों सहित, मैं साबित कर सकता हूं कि 5 गुना से 10 गुना तक काम हुआ है सभी क्षेत्रों में जिससे जनता प्रभावित होती है। वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक सरोकार हो, सामाजिक सुरक्षा के सरोकार हो, सभी मामलों में इनके पास कुछ तुलना करने के लिए तो है नहीं। अब ये जिले में पेटियां लगाएंगे क्योंकि आप दरअसल इतिहास में उलझ गए। हम भविष्य की बात कर रहे हैं और वर्तमान के आधार पर, वर्तमान ये है कि आपकी सरकार यहाँ योजनाएं बना रही है और बीजेपी केंद्र में योजनाएं बना रही है। बीजेपी केंद्र की योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के दम पर राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाना चाहती है और आपकी सरकार अशोक गहलोत के कामों के आधार पर बनाना चाहती है। अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, सवाल ये है, बीजेपी जिलेवार घोषणा पत्र बनाने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसे किस रूप में देखती है? ये सही है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए डॉक्टर मीना, आप कह रही हैं कि वो मैं इतिहास में चला गया, लेकिन अगर इतिहास इरेलेवेंट हो और वो हमें दिखाता नहीं हो आगे की तरफ तो उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप जानती हैं इतिहास का किसी भी सामाजिक संस्था में पूरा मान है उसका। तो मैं, अगर आप आज की तारीख में आना चाहती हैं, ये जितने भी जतन कर रहे हैं ये सब बेहद बौखलाहट और घबराहट के बाद के कदम हैं। अभी हमने इससे पहले वो देखी हैं जन आक्रोश यात्राएं हर जिले में, ना तो वहां जन दिखा और आक्रोश किसकी तरफ था वो भी साफ साफ समझ में नहीं आया। ऐसे ही अभी इन्होंने नया शुरू किया है, नई सहेंगे राजस्थान। अब ये आप बता रही हैं कि ये जिले वाइज एक पेटी रखेंगे जिसमें अगर बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं लोग तो आके सुझाव डालेंगे। इस पे आप मेरी ओपिनियन चाहती हैं, क्या ओपिनियन दे सकता हूं? अगर इनका जनमत इतना ही स्ट्रांग हो कि लोग गिरा रहे हो सुझाव पे सुझाव कि अब आपको ये करना है, भूल जाइए इतिहास को, आपने पिछली टर्म में क्या किया था, अब आप ये कर लेना, तो मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को है नहीं सिवाय इसके कि मुख्यमंत्री यहाँ तो संकेत दे चुके हैं और हम उसके बारे में बहुत गंभीर हैं कि 2030 तक हमारी ये मंशा है, सरकार कोई सी भी आए हम ये चाहते जरूर हैं, जिसमें हर राजस्थानी का सहयोग मांगते हैं बार बार, कि 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी 3-4 प्रदेशों में इसका नाम हो। उसी दिशा में हम अभी भी काम कर रहे हैं और आगे भी सतत काम करते रहेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है। बाकी ये जो रणनीतियां बना रहे हैं इनका हक है, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना, बिगड़ी हुई बात है, कुछ तो बनाएं। जिले में पेटियां रख दें, प्रधानमंत्री को महीने में 4 बार बुलाएं, गृह मंत्री को 3 बार बुलाएं, कुछ ना कुछ इलाज तो उनको ढूंढने का हक है, क्योंकि इन सबको आइडिया है, प्रधानमंत्री से लेके यहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान स्तर पे हालत पतली है, ये प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, वरना इतना बुद्धिमान नेता पिछले 10 महीने में 9 बार किसी स्टेट में नहीं आता है और आगे के भी जी प्राण खुले हुए हैं। तो जी हम तो इसको ज्यादा महत्व देते नहीं, ये स्वागत है इनका, जिले में पेटी रख दें, एड्रेस एड्रेस हमको भी बता दें कहाँ रखी है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है तब महत्व कम देती है, इसीलिए केंद्र में अभी विपक्ष में है अरुण शर्मा जी, और बहुत सारे राज्यों में भी विपक्ष में है। आज बात, अगर हम स्वर्णिम इतिहास के दम पर एक उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, तो इतिहास में जो गलतियां होती हैं उनसे हम सीखते भी हैं।
अगर बीजेपी को लगता है कि वसुंधरा राजे की सरकार में जो गलतियां हुई पिछले कार्यकालों में, जिसकी वजह से सत्ता में वापसी नहीं हुई, तो क्यों उनका जिक्र करें? आज हम जनता से ही पूछें कि जनता क्या चाहती है, और अगर बीजेपी उस रास्ते पर जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के पास उसका काउंटर क्या है? मेरा सवाल ये भी आपसे होगा, मैं अगली बार आऊंगी आपके पास जब आपकी बारी आएगी। तब तक माधोराम चौधरी जी, जिले वार घोषणा पत्र बनाने की तैयारी बीजेपी की है, अभी कहां तक है शुरुआत? आपने क्वेश्चन किया होगा उस टाइम एक बार बीच में कट हो गया। कोई बात नहीं है, मेरा सवाल ये था, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि बीजेपी के जिलेवार घोषणा पत्र बनाने की तैयारी कहाँ, कैसी चल रही है, क्या तैयारी है आपकी? डॉक्टर मीना जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे धरातल कार्यकर्ताओं की एक पार्टी है और धरातल से जुड़ी हुई है, और धरातल में कार्यकर्ताओं ही पार्टी की शक्ति है। हम संगठन में कार्यकर्ताओं पे विश्वास रखते हैं और कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी निरंतर खड़ी रहती है। पर मैं पिछले 3 साल का अगर इतिहास बताऊं तो 1.5 साल जैसे कोरोना का काल रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पे लोगों के बीच में जाके काम किया, जन आक्रोश यात्रा की। अभी मेरे मित्र अरुण जी बात कर रहे थे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि हमारी जन आक्रोश यात्रा में कितने लोग थे, क्या रेस्पॉन्ड था। मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, परंतु हमारा निरंतर कार्य रहता है कि लोगों के बीच में जावे, उनके दुख को पूछे, और उनकी कोई कंप्लेंट है तो वो हमने पूरे राजस्थान से जन आक्रोश के माध्यम से प्रत्येक गाँव में जाके और 3 लाख किलोमीटर चल के हम लोगों के बीच में पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, उनके लाके राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया और राज्यपाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को हमने कार्रवाई, उचित कार्रवाई करने के लिए पहुंचाया। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिलों में जन आकांक्षा की पेटियां लगा के हमारे मंडल स्तर पर मजबूत हमारा संगठन है, हमारा बूथ लेवल पे भी संगठन है, उनके बीच में जाएंगे। अगर कोई निश्चित तौर पे आज तक जो घोषणा पत्र बने हैं वो प्रदेश स्तर पर होते हैं और प्रदेश की समस्याएं होती है। अब की बार पार्टी ने ये तय किया है कि नीचे के स्तर से कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा कि उनके गांव में क्या समस्या है। आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनती है तो सरकारें उनकी निश्चित तौर पे उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनकी भागीदारी हो, और ये ऐसा प्रयोग साहित्य में कहूंगा हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी व्यवहार करना जारी है। और जो अगर नीचे के कार्यकर्ताओं के सुझाव आएंगे तो निश्चित तौर पे उनके आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो काम भी होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार नीचे के स्तर पर जाके और अपना कार्य कर रही है, करेगी पार्टी कार्य, जनता के बीच जाएगी, आकांक्षा पेटियां रखेंगी, सुझाव मांगेगी। मेरा सवाल तो ये था कि अभी कितनी तैयारियां कहां तक पहुंची है, क्या चल रहा है, पार्टी कैसे जिलों में घोषणा पत्र बनाएगी, कौन सी कमेटी बनेगी, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, उसमें किस तरह की क्वेश्चनियर बनाया जाएगा, मेरा सवाल ये था। अभी शायद आपके पास जानकारी नहीं है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। जगदीश शर्मा जी, बीजेपी हर तरह के प्रयास कर रही है यहाँ पर राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। कांग्रेस सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका काउंटर खुद प्रधानमंत्री केंद्र की योजनाओं के जरिए भी कर रहे हैं और उनकी यात्राएं भी हो रही हैं, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर एक के बाद एक पहुंच रहे हैं, लेकिन ग्रास रूट पर जनता का मन भी टटोल रहे हैं। ये जिलों का घोषणा पत्र जनता का मन टटोलने का एक प्रयास है या फिर एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाएगी? देखिये मीना जी, ये वैसे आइडिया किस लेवल तक ले जाएंगे उसकी डिटेल अभी तक बाहर नहीं आई है, मीडिया में इन्होंने बताया नहीं है कि ये जिलों का घोषणा पत्र वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो उसके पीछे आइडिया क्या है। लेकिन अगर ये सचमुच में ऐसा होता है तो मुझे आइडिया अच्छा लगता है, ये हर जिले में पहुंचना और हर जिले में वहां की अपनी समस्याएं इकट्ठी करना, ये माइक्रो लेवल तक सिस्टम को ले जाना मैं मानता हूँ कि आप हर जिले के लिए या इसको और भी माइक्रो ले जाएं तो हर तहसील के लिए अपना एक प्रोग्राम शेड्यूलिंग की जा सकती है कि वहाँ क्या क्या करना है, पाइपलाइन कहाँ से डलेगी, बिजली के कनेक्शन कितने दिए जाएंगे, जमीनों के झंझट जो आए दिन कोर्ट में चलते हैं वो कितने होंगे, पुलिस के केस कितने चल रहे हैं, कितनों को निपटाना बाकी है, स्टाफ वगैरह की क्या जरूरत है। तो ये एक माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करना है,
स्टेट लेवल पर तो ठीक है, इन्होंने कहा है कि हम स्टेट लेवल का अलग घोषणा पत्र बनाएंगे और जिलों का अलग घोषणा पत्र बनाएंगे, लेकिन मुझे इसमें आइडिया ये कोई बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं लग रहा कि ये यात्रा निकालेंगे, तीन ठिकाने इन्होंने बताए यात्रा निकालने के लिए, बेणेश्वर धाम, हनुमानगढ़ और सवाई माधोपुर में जो गणेश जी का खड़े त्रिनेत्र गणेश हैं उनके मंदिर से चलेगी, और वो अलग अलग कॉन्स्टेंसियों में घूमते हुए यात्रा एक दिन में आकर सारी जयपुर में एकुमुलेट होंगी। तो सवाल ये है कि कितने के एरिया को कवर कर लेंगे, ये एक कॉन्स्टेंसी भी कई कई किलोमीटर की होती है, तो उस कॉन्स्टेंसी में से निकलने मात्र से इनको सुझाव कैसे मिल जाएंगे या उस एरिया के सुझाव कैसे मिल जाएंगे, ये मेरे अभी तक बात समझ में नहीं आई। आपने पूछा भी था अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनसे कि आपकी क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है, ये वो भी कुछ क्लियर बता नहीं पाए, और जो कुछ भी अखबारों में मैगजीनों में आया है नेट पर मिला है उससे भी ये तस्वीर क्लियर नहीं होती कि माइक्रो लेवल पर प्लानिंग ये बनाना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरीके से छांटेंगे चीजों को। मान लीजिए मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के शाहपुरा पंचायत समिति में बैठा हूँ तो नरेना की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे वो करूंगा, मेरा रथ इधर से निकल रहा है, तो ये मतलब कई सारे सवाल उससे जुड़े हुए हैं, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये बात कहने में भी बहुत अच्छी लगती है कि हर जिले का अपना एक घोषणा पत्र होगा और स्टेट लेवल पर एक घोषणा पत्र एक होगा, अगर ये चीज ठीक लगती हो ठीक बनती हो तो ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। जो मैं कह रहा हूँ ये आइडिया बहुत अच्छा है कि आप बहुत माइक्रो लेवल तक जाएं। अब ये तो अपोजिशन का काम है, ये तो अपोजिशन कर रही है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष अभी सत्ता में है, आप देखते होंगे सवेरे उठकर अखबार देखते हैं तो पता चलता है 4-5-6 पेज जो है रोजाना मुख्यमंत्री के 4-4 फोटो लगे हुए और राजकीय घोषणाओं की घोषणा के साथ मिलता है, तो ये पब्लिक के बीच में जाना ही हुआ, अखबार में विज्ञापन देना या टेलीविजन पे विज्ञापन देना या अखबारों के बीच में जाना जो है वो पब्लिक को ही अपनी बातें बताना है। ऐसा सुझाव कांग्रेस की ले तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा, क्योंकि उनके यहाँ फीडबैक का कोई मैकेनिज्म अभी तक बना नहीं है, गवर्नमेंट पैसे खर्च करके ही सर्वे वगैरह करवा रही है, उन्हीं से आइडिया लग रहा है कि पब्लिक के बीच में क्या क्या बातें हैं, लेकिन समस्याएं क्या बन रही हैं और निदान कैसा हो रहा है। मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, आए दिन रोजाना बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, जैसे 1100 का जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये में देना है, बहुत सारे बीमा की योजनाएं हैं, तरह तरह की घोषणाएं हो रही हैं, 11-12 घोषणाएं तो मैं अभी इन दिनों में ही सुन चुका हूं। अब अगर अशोक जी इसको सरकार जब आई नहीं 4.5 साल पहले तब से ही करते तब तो अब तक उनका रिजल्ट पब्लिक के बीच में दिखाई दे जाता, पब्लिक रिएक्शन भी पता चल जाता, उनका सुझाव भी आ जाते कि भाई इसमें योजनाओं में ये कमी है इसको और ठीक किया जाए, लेकिन वो उन्होंने बात ही 6 महीने पहले से शुरू की है, 6 महीने पहले से ये सारी योजनाएं लाए, इनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना बहुत तेजी से शुरू कर दिया, गांव गांव में समस्या निदान शिविर लगाए गए, फला हुआ ये हुआ वो हुआ, मुझे नहीं मालूम कि अब इतनी जल्दी कैसे हो रही है सब चीजें, ये चुनाव को ही ध्यान में रखकर हो रही है जी, किसी से उन्होंने सुझाव नहीं लिए कि ये शिविर किसी काम के है भी या नहीं है, खुद मुख्यमंत्री जरूर कुछ शिविरों में गए और वहां की रिपोर्टिंग भी आई बाहर सामने निकलकर, तो ये जो बीजेपी का है ये आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अगर इसको साइंटिफिक तरीके से किया जाए तो, और लगभग ऐसा ही कोई सुझाव कांग्रेस को भी अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसा तरीका कि पब्लिक क्या चाहती है, उनकी पब्लिक के बीच में वो क्या करना चाहते हैं। अब आप मेरे इलाके में मान लीजिए कि पानी की समस्या है, पानी आ नहीं रहा है और आप बड़ी योजना को सफाई के लिए आए या कुछ और लिया है तो मेरे लिए काम की कितनी होगी वो, बिल्कुल बेटर है कि आप उस इलाके के लोगों से सुझाव लेकर काम करें, और मुझे बीजेपी का आइडिया बेटर लगता है, कांग्रेस के पास अभी इस तरह का कोई आइडिया आया नहीं है, ये पब्लिक की ओपिनियन है जी। राजीव जैन साहब बात यही है कि बीजेपी
अपनी माइक्रो मैक्रो सारी तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री भी जुटे हुए हैं, खुद तैनात हैं, खुद यात्राएं कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्कीम्स ला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए यहाँ पर कैसे घोषणा पत्र में लोगों को शामिल किया जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि घोषणा पत्र में लोगों के सुझाव ले जाएंगे, इसका मतलब ये भी है कि बीजेपी जनता के बीच जा रही है ये बताने के लिए कि हमें लेकर आएंगे तो हम ये करेंगे और आपको क्या चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पास फीडबैक सिस्टम नहीं है, जैसा कि शर्मा जी ने कहा, हम ये अक्सर सुनते भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इस बात को जरूर सुने और समझे भी, क्योंकि फीडबैक सिस्टम मुखिया के पास, मुख्यमंत्री के पास, सरकार के पास जब नहीं होता है तभी सरकारें जाती भी हैं। सरकार बनी रहे ये मुख्यमंत्री हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हर दिन नया वीडियो, हर दिन अखबारों में 5 से 6 पेज के एडवर्टाइजमेंट और हर दिन लाभार्थियों के वीडियो भी हम देख पा रहे हैं। क्या वो उतना काफी है मुख्यमंत्री और सरकार के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए? और वो निश्चित है पूरी तरह से कि हम इस बार वापसी करेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 1985 का इतिहास दोहराएंगे। हालांकि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी तो एक बात और कि ये जो जिलेवार घोषणा पत्र है इसकी शुरुआत कहां से हुई, उस पर मैं आपके पास आऊंगी अरुण शर्मा जी, लेकिन राजीव जैन साहब कैसे देखते हैं आप बीजेपी की तैयारियों को लेकर? हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी अभी कोई सूचना नहीं है, तो एक एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया, एक खबर छपी और फिर कुछ आकांक्षा पेटियां रख दी गई और फिर आ जाएगा कि भाई ये बीजेपी ने जनता के लिए जिलेवार घोषणा पत्र बनाया। क्या कुछ वैसा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होता दिख रहा है या फिर बीजेपी इसमें प्रयास करती नजर आएगी? आपके पास क्या जानकारी सूत्रों से, बीजेपी के नेताओं से जो बातचीत हो रही है उसके आधार पर? देखिए, ये बीजेपी ने काफी पहले तय किया था कि जिले वाइज घोषणा पत्र बनाया जाए, जिले के नेता लोग उनके सुझाव लिए जाएं या कार्यकर्ताओं के, आम जनता से भी सुझाव लिए जाएं कि वो जिले में क्या चाहते हैं। मीना जी, मैं आपको बताऊं कि वैसे तो एक जगदीश जी ने जैसे बताया कि आइडिया बहुत अच्छा है, जिले के घोषणा पत्र बने और उस पर उसको लागू किया जाए। हर जिले में पूरे मतलब जो 5 मूलभूत समस्याएं होती है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हर जिले की, हर नागरिक की एक आवश्यकता होती है। इन चीजों पर सरकार यदि कारगर तरीके से काम करे तो वो एक सफल सरकार कहलाती है। लेकिन अभी ये जिलों का घोषणा पत्र, एक प्रदेश स्तर का घोषणा पत्र किस रूप में लाएंगे, तो मेरे को जहां तक याद आ रहा है कि पिछली जो बीजेपी सरकार थी वसुंधरा जी की, उस समय एक आइडिया आया था कि जिलों का भी बजट बनाया जाए। जो बजट, राज्य बजट पेश किया जाता है उसमें अलग अलग जिलों का अलग अलग प्रावधान मत में किया जाए, लेकिन वो कहीं लागू नहीं हो पाया, वो बजट आ नहीं पाया। तो ये एक आइडिया अच्छा है कि नीचे से जो जिलों का घोषणा पत्र आएगा, फिर ऊपर लेवल पे जब राज्य बजट आता है उसमें जिलों का उस हिसाब से प्रावधान किया जाए, लेकिन एक वो लंबी बात है। लेकिन अभी जो जिलों की बजट वाली बात या ये जिलों के घोषणा पत्र वाली बात है, तो जिलों की जो स्थानीय समस्याएं होती है तो उस पर बीजेपी काम कर रही है, कांग्रेस भी काम करती है। जो दोनों पार्टियों की एक चुनाव घोषणा पत्र समिति बनती है, वो अलग अलग वर्गों से सुझाव भी लेती है, अलग अलग जो समुदाय होते हैं, अलग अलग कर्मचारी, छात्र, युवा, उद्यमी, या उन सब से लेती है सुझाव और उस आधार पर अपना घोषणा पत्र पार्टियां बनाती हैं और उसके आधार पर वो चुनाव में भी जाती है कि हम इसको लागू करेंगे, कितना लागू करेंगे या क्या होता है, वो एक बाद की बात है। वो 5 साल बाद जनता आकलन करती है उसका कि घोषणाएं अधूरी रही, या जो स्थानीय स्तर पर भी विधायक जो घोषणाएं करके आते हैं कि मैं हमारे जिले में ये कराऊंगा, मेरे क्षेत्र में ये कराऊंगा, नहीं कराते तो जनता ही उसका आकलन करती है। लेकिन जहां तक कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र जो दावा करती है कांग्रेस पार्टी कि उसने 90% जो वादे किए थे घोषणा पत्र में वो पूरे किए। उसके अलावा एक जो सरकार ने इस बार जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिस बड़े पैमाने पर चलाई है और उसका बहुत तो व्यापक प्रचार प्रसार भी हुआ है, प्रचार प्रसार के पीछे मुख्यमंत्री जी का एक तरफ ये भी था कि लोगों को मालूम नहीं पड़ता, योजनाएं तो सरकारें बना देती हैं उसका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता, तो प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये उनका जवाब होता है कि इसके पीछे एक ही कारण है कि ये जनता को मालूम तो पड़े कि सरकार ने मेरे लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई, उसमें रजिस्ट्रेशन कराए,
सिलेंडर 500 रुपए में मिल रहा है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराए तो उसको लाभ मिलेगा, ये एक अलग चीज है। अब घोषणा पत्र वाली बात है, जहां तक बीजेपी का, तो बीजेपी के स्तरों पर काम कर रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी शायद एक अलग मूड से चुनाव मैदान में उतर रही है बिना चेहरे के, क्योंकि उनके पास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक चेहरा थी, लेकिन पता नहीं क्यों अभी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, और वो सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहता है और संगठन के बलबूते वो चुनाव में जाना चाहते हैं। संगठन के ही हिसाब से तीन स्तरों पर यात्रा निकाली जा रही है, तीन अलग अलग इलाकों से, और वही सुझाव जो लिए जाएंगे वो होंगे। उससे पहले जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2003 में वसुंधरा राजे ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो उसका लाभ मिला था। 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा नाम से वसुंधरा जी ने वो यात्रा निकाली थी स्वराज संकल्प के नाम से, तो उसमें वो फायदा मिला था। इस बार जब जी एक नेता को सामने रख के बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं आ रही है और तीन यात्राएं अलग अलग सामूहिक नेतृत्व का उन्होंने एक अलग ही नारा दिया है जो उनके केंद्रीय नेतृत्व ने, तो निश्चित रूप से उसका वो अपने संगठन पे पूरा भरोसा करते हैं या उनका संगठन कैडर बेस है तो उस हिसाब से वो चाहते हैं कि भाई जब लोकप्रिय पूरे देश भर में उनके पास एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के रूप में है तो अलग अलग राज्यों में कोई चेहरे उभारने की जरूरत नहीं है, और संगठन इतना मजबूत है कि हम संगठन के भरोसे ही चुनाव जीत सकते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी जो रिपीट करना चाह रही, जैसा आपने कहा कि 1985 दोहराना चाहती है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की योजनाएं भी एक कल्याणकारी योजनाएं के रूप में सामने आ रही हैं, लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। अब भाजपा को अपने घोषणा पत्र में या कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनसे बेहतर योजनाएं लानी होगी, बेहतर उसमें सामने लाना पड़ेगा लोगों का, वो भला किस योजनाओं से कर सकते हैं, ऐसी घोषणाएं उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहीं माइक्रो लेवल पे नीचे लेवल पे गए, निचले स्तर पे, कि जिलों में ही हम एक नया चीज छोड़े कि जिलों में क्या क्या आवश्यकता है तो उनकी पूर्ति की जाए, तो हो सकता है लोग उस पर भी आकर्षित हो, क्योंकि मेरे इलाके में ये सड़क नहीं बन रही थी, इतनी बड़ी सड़क होनी चाहिए, ये शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली पानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ये कारगर भी हो सकती है। लेकिन ये सब चीजें नतीजे में ही सामने आएंगी कि कौन की किस पार्टी के घोषणा पत्र को लोगों ने स्वीकार किया या उस पर भरोसा जताया, तो उसका नतीजा ही सामने आएगा। जी, तो एक तरफ जिले बनाकर कांग्रेस पार्टी ने जनता को खुश करने की, विधायकों को खुश करने की कोशिश की कि विधायक जनता के बीच जाएं और बताएं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले लोगों को किस किस तरह से लाभ पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी उन बने हुए नए जिलों से जो कि राज्य सरकार ने हाल ही में बनाए हैं उनमें जाकर राज्य सरकार की योजनाओं के बाद क्या कुछ कमियां रह गई हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह का पूरा घोषणा पत्र जिलेवार तैयार करेगी। अरुण शर्मा जी, इसी साल के मार्च और अप्रैल में, यानी कि करीब अब से 6 महीने पहले, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में जिलेवार घोषणा पत्र की बात हुई थी। कांग्रेस ने तैयारी की कि मध्य प्रदेश में जिलेवार घोषणा पत्र बनेंगे। आपको उसी आधार पर क्या बीजेपी ने यह प्रयास किया है, कांग्रेस का वो मध्य प्रदेश में जिलेवार घोषणा पत्र की क्या स्थिति है, उसकी क्या तैयारियां हैं, मार्च अप्रैल में जो बातें हुई थी धरातल पर कितनी हो पाई, कहां तक पहुंच पाई? देखिए डॉक्टर मीसा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी क्योंकि घोषणा पत्र जिले वाइज की चर्चा है ये आज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं डॉक्टर मीता, लास्ट टाइम भी 2019 के चुनाव के समय भी एक विस्तृत घोषणा, चुनाव की घोषणा पत्र समिति बनाई जाती है हमारे यहाँ, जिसमें करीब 40 लोग होते हैं और उसमें नॉट नेसेसरली वो नेता ही होने चाहिए। मुझे याद है पिछली बार का मैं भी उसमें मेंबर था, अर्थशास्त्री होते हैं उसमें, प्रोफेसर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उसमें वकील समुदाय होता है और लगभग पूरे ट्रांस राजस्थान का प्रतिनिधित्व होता है, और एक ये लंबी एक्सरसाइज दी जाती है, लोगों से सुझाव मांगे जाते हैं। आपको भी याद होगा कि सुझाव मांगे गए थे और लोगों ने हजारों की संख्या में सुझाव दिए, उनको संकलित किया गया, उसके बाद हमने ये
जन संकल्प घोषणा पत्र इसको हम कहते हैं, वो घोषित किया। और जैसे अभी राजीव जी भी जिक्र कर रहे थे, करीब 90% स्ट्राइक रेट है उन वादों की जो हमने घोषणा पत्र में किए थे। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हम इसको काफी गंभीरता से लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जगदीश जी कह रहे थे ये आइडिया अच्छा है जिले वाइज घोषणा पत्र का, मुझे नहीं पता कि वो अभी भी 33 जिलों में पेटी लगाएंगे या 50 में लगाएंगे, क्योंकि नए जिले जब बनाए जा रहे थे, घोषणा की जा रही थी, तो लगभग सभी चीजों का जैसे ये विरोध करते हैं जो पिछली गहलोत सरकार ने किए, इनने नए जिलों का भी काफी विरोध किया है। तो अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, 50 जिले हैं अब आज की तारीख में, और वहां 50 पेटियां लगाई जाएं। दूसरा, डॉक्टर मीता, मैं ये भी कहना चाहता हूँ लगे हाथ कि ये सब एक्टिविटीज चलती हैं, चलती रहनी चाहिए, चुनाव से पहले जो जो भी किया जा सकता है करना चाहिए, यात्राएं निकालेंगे 3 अलग अलग दिशाओं से, वो भी ठीक है। इस बार दूसरा आइडिया है इनका, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने मार्च और अप्रैल में इसी साल में 2023 में जिलेवार चुनाव घोषणा पत्र की बात की थी, तैयारी की थी। क्या स्थिति है कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में इन जिलेवार घोषणा पत्रों को लेकर? क्या कुछ इसको लेकर प्रयास किए गए? किस तरह की क्वेश्चनेयर बनाया गया है? कौन कौन लोग इसमें शामिल है? कितने जिलों में पहुंचे हैं? कुछ आप जनता को, दर्शकों को बता सकते हैं अरुण शर्मा जी? नहीं, ईमानदारी की बात तो ये है डॉक्टर मीसा कि मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र के वो जिले वाइज जो घोषणा हुई थी उसमें क्या प्रोग्रेस है मुझे जानकारी नहीं, एक बात। दूसरा, देखिए दोनों प्रदेशों की स्थिति बिल्कुल अपोजिट है। एक समानता जरूर थी 2019 में कि दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन करीब साल भर बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने, अब तो प्रसिद्ध है ये उनका तरीका, उससे वो सरकार गिरा दी और खुद की गिरा ली है। तो मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ ये कि कांग्रेस वहां अपोजिशन में है और यहाँ बीजेपी अपोजिशन में है। तो जैसे अब इनको जिले वाइज आइडिया आया है, मुझे नहीं पता इनने मध्य प्रदेश से लिया है या बिल्कुल नया ओरिजिनल चमकदार आइडिया है, पर कि आप बात कर सकते हैं इस विषय पे अरुण शर्मा जी कि ये कांग्रेस का ही आइडिया है जिसे बीजेपी ने राजस्थान में अमल में लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी इस पर काम कितना कर पाई है, नहीं कर पाई है, इसका ब्यौरा आप रखते तो जनता और दर्शक दोनों लाभान्वित होते। जिस तरह से आप लाभान्वितों को एक के बाद एक योजनाएं दे रहे हैं और लाभार्थियों से संवाद भी कर रहे हैं, उनके वीडियोस भी बन रहे हैं, तो अच्छा होता कि आपको जानकारी होती कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में क्या कर रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहुत ज्यादा फर्क भौगोलिक दृष्टि से नहीं है, यहाँ के लोगों के स्वभाव में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, एक ही तरह के लोग, बॉर्डर जुड़ा हुआ है दोनों राज्यों का, वहां इस वक्त बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस है। निश्चित रूप से आपकी बात, बीजेपी ने वहां पर आपकी सरकार गिराकर सरकार बनाई है, लेकिन राजनीति में जिस तरह से राजनीति हमारी आगे बढ़ रही है उस पर टिप्पणी मैं इस वक्त नहीं करना चाहती क्योंकि वो विषय नहीं है। श्रीवत्सन जी, आपके पास आना चाहेंगे। श्रीवत्सन जी, बीजेपी की ये जो जिलेवार घोषणा पत्र की तैयारी है, क्या इस पर कोई काम हुआ है या सिर्फ अभी स्टेटमेंट तक बात है और आने वाले दिनों में इस पर रफ्तार पकड़ेगा काम होगा? जी देखिए, छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो छत्तीसगढ़ में यह प्रोसेस शुरू हो चुका है दोनों ही पार्टी की तरफ से, तो वहां से करीब 5 दिन हो गए हैं इस चीज को शुरू हुए। अब राजस्थान में अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये इसकी जरूरत यदि देखी जाए तो इसके पीछे की वजह यही है कि हर जिले की अपनी जरूरत होती है। जैसा कि आपने, हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि कई सारे नए जिले बने, वहां की जरूरत क्या है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने केवल 19 जिले और 3 संभाग बनाए हैं, राम लुभाया कमेटी की 6 महीने की उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है, 8 जिले और 3 संभाग और भी बन सकते हैं। आज भी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नए जिले का जिला प्रवेश कर रहे थे कार्यक्रम, यानी कि नए जिले बनने की खुशी के जश्न में कार्यक्रम हो रहा था, तो भीलवाड़ा का शाहपुरा में वहां पर हंगामा हो रहा था, इसी खाजूवाला में वहां पर हंगामा हो रहा था। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें किसी नए जिले में शामिल कर दिया जाए क्योंकि वे खुद अपना एक अलग जिला बनाने की लगातार मांग कर रहे थे। तो उन जिलों में अब
कांग्रेस सरकार तो बोल सकती है कि देखो हमने तो आपके लिए नया जिला बनाया, नए जिले में शामिल कर दिया, इतनी सारी योजना है। बीजेपी के लिए प्रॉब्लम है कि किस तरह से वह स्थानीय लोगों के मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये इस बात में शायद कोई देखे कितना लागू हुआ कोई योजना कितना नहीं, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास ये कहने लायक बहुत कुछ है। क्या हमने देखे फ्रीज आपको लिए 100 यूनिट निःशुल्क बिजली दी है, 25 लाख का इंश्योरेंस दिया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया है। बीजेपी वालों को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है लेकिन आज राजस्थान में आयुष्मान लागू ही नहीं है, चिरंजीवी लागू है उसकी जगह। तो आप बीजेपी वाले बताएंगे क्या, उन्हें बताने के लिए बताना पड़ेगा कि हम सत्ता में आने के लिए आने पर आपके लिए इन सभी चीजों को नया करेंगे, क्योंकि ये आपके जिले की सबसे बड़ी है, पुरानी सरकार ने नहीं किया या सही तरीके से नहीं कर पाई तो हम आपको करके देंगे। ERCP का मुद्दा भले ही ये राज्य स्तरीय मुद्दा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन बीजेपी को बताना पड़ेगा कि जो 13 पूर्वी राजस्थान के जिले हैं वहां पर ERCP को लेकर क्यों केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही है। तो अगर लोकल हिसाब से अगर वो अपने मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे राजस्थान विधानसभा तकनीकी परेशानी है, नेटवर्क इशू, श्रीवत्सन जी के यहाँ इंटरनेट के इशू। माधुराम चौधरी जी, पहले कहा जन आक्रोश यात्रा, उसके बाद कहा कि नहीं सहेगा राजस्थान, अब जिलेवार घोषणा पत्र, उससे पहले आकांक्षा पेटियां, उसके पहले परिवर्तन यात्रा। बीजेपी किसी एक बिंदु पर ठहर नहीं पा रही है, पार्टी के जो नेता हैं उनके आपस की जो गुटबाजी है उसकी वजह से ये नए नए नाम, नई नई योजनाएं, नए नए लोग शामिल होते हैं, क्या कारण है? क्योंकि एक किसी भी मुकाम तक, किसी भी हाइट तक पहुंच नहीं पाता कैंपेन, उससे पहले दूसरा कैंपेन शुरू हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और संगठन आधारित पार्टी हो, और नीचे धरातल पर आपने देखा होगा कि हमने पन्ना प्रमुख तक काम किया है, हमारे 10 लाख कार्यकर्ताओं की हमने फौज खड़ी की है। अगर मैं कांग्रेस की तुलना करूं तो आज तो उनके जिला अध्यक्षों की घोषणा नहीं है, हमारे जिला होता है, जिले में जिले की टीम होती है, समन्वय समिति होती है, मंडल होते हैं, मंडल के अध्यक्ष के नीचे एक टीम होती है, मोर्चों के होते हैं, मोर्चों के नीचे होती है, जिले के बाद में नीचे आप जाओगे तो बूथ की समितियां होती है, बाद में पन्ना प्रमुख होता है, ये कल्पना नहीं कर सकते हमारे संगठन की कितना बड़ा संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आपके मीडिया के सामने कोई विषय आवे या नहीं आवे, पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर रूप में अपना कार्य नीचे धरातल पर निरंतर चलते रहते हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में चाहे वर्चुअल बैठ के हों चाहे फिजिकल बैठ के हों समय समय पर करती रहती है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारी जानकारी में नहीं आ रहा, तो भारतीय जनता पार्टी ये कोई जरूरी नहीं कि उनके प्रवक्ता की जानकारी में आवे या नहीं आवे, पर निरंतर कार्य और कार्य को मुकाम पे निश्चित तौर पे पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि कार्य पूर्ण होने से पहले दूसरा हो जाता है। एक हर महीने पार्टी का नहीं, हर महीने पार्टी का एक पत्रक जारी होता है, डेट वाइज उसके कार्यक्रम होते हैं और वो कार्यक्रम निश्चित तौर पे नीचे के स्तर पे होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी वर्ग पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की एक टीम और एक फौज है, उसी पे हम विश्वास करते हैं और उसी पे भारतीय जनता पार्टी आधारित है। और भारतीय जनता पार्टी एक विचार वाली पार्टी है, विचारधारा के साथ में आगे बढ़ती है, यहाँ न किसी व्यक्ति के पीछे चलती है और एक विचारधारा को लेके पूरा समग्र रूप से देश में हमारी भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो आप जो कह रहे हैं यात्रा या वो, ये हमारा नेतृत्व तय करता है कि किसको यात्रा में जाना है नहीं जाना है, कहाँ पे फेस आना है या नहीं आना है, कौन से विषय पे कौन बोलेगा, ये सारी चीजें पूरे प्रदेश से तय होता है, उसके लिए हर व्यक्ति का अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। जहां तक मैं कहूंगा कि जिले की बात का विषय आया, जिले पे निश्चित तौर पे हमारे तो संगठन के हिसाब से ऑलरेडी 44 जिले हैं और 44 जिले में हमारा संगठन तैयार है। ये 50 जिले बनाए हैं इन्होंने, अपने जिले बना के खुद ही उलझ गए, उलझ गए। आज देखा शाहपुरा में जिस प्रकार की लाठीचार्ज हो रही है, खाजूपाला में जिस प्रकार विरोध हुआ, दूधू का जिस प्रकार आपने देखा कि फुलेरा का विरोध हुआ, तो इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए 103 सीट पे काम तो करने की कोशिश की, पर अपने काम में खुद ही उलझ गए। अगर मैं इनकी योजनाओं की बात कहूँ तो मेरे को कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि इन्होंने महाविद्यालय की घोषणा की और कुचामन के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय में वहां के अगर उसके प्रिंसिपल बैठ के वहां एडमिशन करते हैं और महाविद्यालय उसके कमरे में चलता है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। आपने कहा इस तरह अगर कोई राजनीतिक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सारे सिस्टम को तहस नहस करते हुए और आने वाले 20 साल में जनता को भुगतना पड़ेगा, तो आप लोगों को इसको भी देखना पड़ेगा कि इनकी माधुराम जी जनता से
जिलेवार घोषणा पत्र बनाने के लिए ये जो आपका आक्रोश है ये तो समझ में आता है सरकार के खिलाफ विपक्ष में आप, लेकिन इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया, किस तरह की पत्रावली, किस तरह के सुझावों को इसमें शामिल करेंगे, कौन सी इसमें कमेटी बनेगी, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कुछ तैयारियां इसकी हुई है अभी? डॉक्टर मैंने पहले निवेदन किया आपने, मैंने कहा हमारे हर जिले में एक समन्वय समिति होती है, समन्वय समिति के अंदर प्रमुख जिले पदाधिकारी होती है, जिलाध्यक्ष होता है, एमएलए होते हैं, उसके बाद में मंडल की समन्वय समिति होती है, उस समन्वय समिति में वहाँ का लोकल प्रधान होता है, वहाँ का चेयरमैन होता है, वहाँ के मुख्य लोग होते हैं जो पूर्व में वहाँ मंडल अध्यक्ष है, तो वो लोग सारे उसका उस पर कार्य करेंगे। तो ऑलरेडी हमारी एक ऐसी संरचना इसमें पहले से व्यवस्थित है, उस संरचना में वहां भेजने की जरूरत है, बाकी ऐसा अलग से कोई व्यवस्थित ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा, उसके लिए जरूर है कि प्रभारी लगाए जाते हैं समय समय पे, और वो प्रभारी उस टीम को एक्टिव करता है, उनके साथ में बैठक करता है। जी, लेकिन घोषणा पत्र को लेकर जो कमेटी बनती है उसके प्रमुख होते हैं घोषणा पत्र समिति, और उसपे जो मेन कोर टीम काम करती है उसको लेकर अभी कोई तैयारी, आपने कहा कि हर मंथ का कार्यक्रम शेड्यूल जारी होता है, तो उसमें कोई घोषणा पत्र को लेकर बातचीत हुई है अगले महीने के लिए या इस मौजूदा महीने में? नहीं, अभी उसकी नहीं हुई, पर जब भी नेक्स्ट कोर कमेटी होगी तो वो कोर कमेटी तय करेगी घोषणा पत्र के लिए कौन कौन लोग होंगे, उसकी तैयारी के लिए अभी तैयारियां चल रही है। जी, और ये आकांक्षा पेटियां क्या होगी, कुछ इसकी जानकारी सामने आई है, किस तरह बनाई जाएंगी, कहां कहां रखी जाएंगी, कितनी आकांक्षा पेटियां रखेंगे, एक जिले में कितनी रखी जाएंगी? ये हमारे मैंने निवेदन किया कि मंडल स्तर पर समन्वय समिति बनाई हुई है, मंडल का मतलब है एक विधानसभा के हमारे करीबन 5 से 6 मंडल होते हैं एक विधानसभा में, प्रत्येक मंडल पे ये आकांक्षा पेटियां पहुंचाई जाएगी और वहाँ की समन्वय समिति बैठेगी और लोगों से वहाँ के सुझाव लेगी और अपनी तरफ से सुझाव जोड़ के और वो जिले में भेजेगी और जिला या प्रदेश को भेजेगा। जी, और इसमें पार्टी के अलावा हर जिले से कुछ विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा, कुछ प्रबुद्ध लोगों को, क्योंकि पार्टी प्रबुद्ध जनों से संवाद का कार्यक्रम नियमित रूप से चला रही है, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर भी, जिलों स्तर पर भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, और इसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा इसमें क्या उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा? नहीं, निश्चित तौर पे हमारे अलग अलग जैसे प्रकोष्ठ बने हुए हैं तो वो 18 प्रकोष्ठ है, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, वो मंडल स्तर तक उसकी रचना होती है और उनके लोग जैसे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, अलग से अधिवक्ता परिषद है, तो वो सारे लोग उसमें सुझाव देते हैं और उनके सुझावों को भी शामिल किया जाता है। जी श्रीवत्सन जी, कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से आपकी बात बीच में रह गई थी। बीजेपी का ये जो एक तैयारी और त्यौहार चुनाव से पहले एक बाजी, एक तीर जो है, ये कितना कारगर होगा? जी देखिए, बीजेपी को अब इस तरह से कुछ नया करना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव है, केवल अकेले मोदी जी के नाम पे वोट जरूर मिलेंगे बीजेपी को, उनके सरकार की 9 साल की योजनाओं पे भी वोट मिलेंगे, लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं उसे भी जनता को बताना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे बार बार पैनलिस्ट बता रहे हैं कि नए जिले बने तो नए जिलों की जरूरत भी होगी। अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र की ज्यादातर योजनाओं को हाईजेक कर लिया, चाहे वो किसी भी नाम से, मैं जैसे बता रहा था कि आयुष्मान योजना राजस्थान में है नहीं, केंद्र की अच्छी योजना स्वास्थ्य की, यहाँ पर चिरंजीवी योजना चल रही है, गैस सिलेंडर उज्ज्वला में दिया लेकिन यहाँ पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, तो अब बीजेपी के नेता बताएंगे क्या जनता को जाकर। इसके अलावा अब सबसे बड़ी जरूरत यह भी है बीजेपी के लिए कि वह आम जनता, अपने कार्यकर्ता जो कि उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी सरकार राजस्थान में आएगी, वो क्या सोचते हैं, किस तरह के काम के लिए उम्मीद करते हैं कि यदि बीजेपी की सरकार आती है राजस्थान में तो क्या करना चाहिए, जनता क्या सोचती है, इस तरह की तमाम बातों को जानने की कोशिश करेगी अपनी इस आकांक्षा पेटी के जरिए। जैसा कि छत्तीसगढ़ में 4 दिन पहले ये पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है, वहां पे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी पूरी जानकारी ली जा रही है जनता से, जनता की आकांक्षाएं पूछी जा रही है कि आप किस तरह की उम्मीद यदि हमारी सरकार बनती है तो उससे करते हैं। तो फीडबैक के हिसाब से ये बहुत जरूरी है अपने आप को प्रिपेयर करना कि चुनाव में किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, और ये तो केवल हर जिले के लिए, यानी कि जिलों के लिए तो पहले लागू हो जाएगा, लेकिन जो पूरे राजस्थान के लिए है उसके लिए बीजेपी ने जैसे साल 2018 में संकल्प पत्र जारी किया, इस तरह के कुछ और पत्र भी जारी हो सकते हैं, जन घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से 2018 के विधानसभा चुनाव में जारी हुए, तो कांग्रेस इन छोटे छोटे जो जिलों से मांग आ रही है उनमें से जो बड़ी बड़ी मांगे हैं
उसे तो अपने जन संकल्प पत्र और जन घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, लेकिन जो जिलों की बात है तो जिले को लोगों को समझाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जनता अब केवल नेशनल मुद्दों पर वोट देने के लिए नहीं है, वह जानती है कि उसकी जरूरत है क्या है, सड़क किस तरह से है, क्या उसे पानी मिल रहा है, जैसे बिसलपुर का पानी जयपुर से और आसपास के कई जिले लगातार मांग उठाते रहते हैं, क्या उन्हें वह पानी मिलेगा। ईआरसीपी की योजना बड़े लेवल पे राजस्थान की योजना है, लेकिन 13 जिलों के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्यों रुकी और कौन सी सरकार बनने पर कौन इसे सही तरीके से पूरा कर पाएगा। तो जनता की भावना को समझने के लिए ही इस तरह की एक बड़ी कोशिश की गई है, और इन सबका मिला जुला रूप आपको बड़े संकल्प पत्र या जन घोषणा पत्र में नजर आएगा। जी, तो निश्चित रूप से जो चुनौती बीजेपी के सामने इस वक्त है राजस्थान से अपनी एक बार फिर से सत्ता की चाबी खोलने की, और उसके लिए जो पूरी कोशिशें, लगातार कोशिशें, निरंतर कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों के बीच की जो उनका जो तनाव है, उन कोशिशों के बीच के जो मतभेद हैं, उन कोशिशों के बीच के जो चेहरे की जंग है, उनसे पाटने के लिए नए तरीके, नई बातें हर दिन बीजेपी की तरफ से आ रही है। ये जो प्रयास है जनता के बीच जाने का, ये कितना कारगर होगा ये समय बताएगा, लेकिन प्रयास जो है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, ये एक मत में एक सुर में सभी का कहना है। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस ने इसी साल में 6 महीने पहले इस बात की शुरुआत मध्य प्रदेश से की, लेकिन राजस्थान में बाजी बीजेपी ने मार ली इसके शुरुआत करने के लिए। हालांकि कहां तक पार्टी की तैयारी है इसको लेकर पार्टी ने अभी बहुत कुछ कम से कम अपनी टीम के साथ तो साझा नहीं की है तैयारी, तो इस रूप में इसे मतलब कांग्रेस पार्टी के जो नवाचार या जो कांग्रेस पार्टी के जो विचार या जो कांग्रेस पार्टी कुछ करने की कोशिश भी करती है तो बीजेपी उसमें लीड ले लेती है, राजस्थान में ऐसा ही दिख रहा है। देखिए मीना जी, इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे ही रहती है, जब भी कोई नई शुरुआत होती है तो राजस्थान में कम से कम ये अनुभव है, मुझे नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह में क्या आइडिया वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन ये आइडिया बढ़िया है। जैसा मैं पहले बता रहा था कि आप जिले के हिसाब से वो बनाइए, और जिले में फिर आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कह दीजिए, अलग अलग तहसील में या पंचायत समिति में कह दीजिए कि वहाँ के छोटे छोटे एरिया की जो है जरूरतों को ध्यान में रखकर और जिले में कंपाइलेशन हो जाए कि टोटल कुल मिला के आपने, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ अलवर जिला, एक जिले में अब तो दो टुकड़े हो गए हैं, बहरोड और वो अलग कर दिया गया है, कोटपुर तिजारा वगैरह, तो लेकिन एक जिले में जितने जितने तहसील पड़ रही है, जितनी पंचायत समिति पड़ रही है, वो ग्रुप जो है ये बता दे कि उनके यहाँ पर किस चीज की समस्या क्या है। जो स्टेट लेवल की, जैसा कि श्रीवत्सन जी बता रहे हैं कि भाई ईआरसीपी का जो है बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार से पैसे मांगने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार बहुत जोर लगा रही थी, बहुत इश्यू बनाया इसको, और केंद्र में बाय द वे राजस्थान के ही जल संसाधन मंत्री मौजूद है जो केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये बड़े इशू तो एक अपना इशू है, लेकिन जिले का क्या इशू हो सकता है, या एक तहसील लेवल पर क्या अलग कोई इशू हो सकता है, कोई समस्या बड़ी हो, कोई जरूरत उस इलाके की हो। जैसा मैं पहले कह रहा था कि भाई गवर्नमेंट की जो स्कीमें बनती है उनमें कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रही हो, वो तो अपने ढंग से चलती रहती है, जो ऑफिसर्स बनाते हैं ज्यादातर और मंत्रियों से होते हुए सरकार तक जाती है, फिर बजट में उनका इंक्लूजन होता है। लेकिन आप पहले से प्लानिंग करके रखें इस बात का कि बैरोड तहसील में इस बात की जरूरत है, इस समय ये पुल बनना है, एक हाईवे निकलता है उसके ऊपर एक पुल बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन शहर के बीचों बीच ट्रैफिक जाम रहता है, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए उस बैरोड वाली जगह पर ही एक आपको अलग से प्लानिंग चाहिए, अलग से फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, और इस तरीके से ये समस्याओं का निदान हो सकता है। अगर सरकार चाहे तो ये माइक्रो लेवल तक जा सकते हैं ऐसे, लेकिन ज्यादातर होता क्या है, अभी अभी केंद्र सरकार ने जैसे घोषणा की कि कृषि के लिए अलग से बजट बनाएंगे, वो राजस्थान में भी राजस्थान की गवर्नमेंट ने की, केवल फार्मर्स को लुभाने के लिए कह सकते हो ये स्कीम, वरना चीजें तो सभी अभी भी है, उसमें अलग बजट कर दीजिए आप उनका, बस केवल टोटल बजट में से जो किसानों की स्कीम है उनको निकाल कर
एग्रीकल्चर का बजट अलग कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इम्प्लीमेंटेशन को भी कभी किसी ने आकलन किया है? जैसे मैं आप पहले कह रहा था, एक आध बार आपकी पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में कि जो योजनाएं बनी हैं वो योजनाएं सच में कुछ कारगर हैं और उनपे कोई काम भी हुआ है। सारी पार्टियां इसी आधार पर काम तो करती हैं, लेकिन ये आकलन वाली स्कीम भी होना एक जरूरी है। मेरा ये एक और सुझाव मान लीजिए, आप ये एडिशन मान लीजिए। जी, निश्चित रूप से दोनों दोनों ही राजनीतिक दलों की सरकारें केंद्र और राज्य में अलग अलग ढंग से काम कर रही है, और ये बात दोनों ही प्रवक्ताओं को समझकर निश्चित रूप से अपने जो भी कंसर्न आपके लोग हैं, उनको आप नेतृत्व हैं, उनको आप ये जरूर फीडबैक सिस्टम के लिए, क्योंकि मुश्किल यही है। दरअसल जो कुर्सी में बैठा हुआ है उसके पास फीडबैक पहुंचता नहीं है, उसके आसपास वो लोग रहते हैं जो उन्हें सिर्फ वही बताते हैं जिससे वो खुश रहे और उनके नंबर बढ़ते रहे, और इसीलिए फीडबैक सिस्टम कभी डेवलप ठीक से हो ही नहीं पाता है। बहरहाल, राजीव जैन साहब, जिस तरह से बीजेपी प्रयास कर रही है सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए, चेहरे की जंग के नाम पर जितनी रस्साकस्सी पिछले दिनों में नजर आई है, हुई है, चर्चा हुई है, बहस हुई है, क्या इस जिलेवार घोषणा पत्र की कोशिश से उसको पीछे रख पाएगी, उस पर कहीं थोड़ी जुबान चुप हो पाएगी, थोड़ी चर्चा कम हो पाएगी, थोड़ी लोग उस पर बात करना बंद कर देंगे, क्या उसमें पार्टी सफल भी हो पाएगी? देखिए मीना जी, जो बीजेपी की पिछले 2-3 महीने से जो एक्सरसाइज चल रही है चुनावों को लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये एक साफ जाहिर होता है कि वो चेहरे को पीछे रखना चाहते हैं। जिस तरीके से केंद्रीय नेताओं के, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, राजस्थान के लगातार दौरे हो रहे हैं, तो उससे एक तो साफ जाहिर है कि राजस्थान में जो, जैसा आप कह रही हैं, सामूहिक नेतृत्व वाली बात, वो कहीं ना कहीं उभर के आ रही है। चेहरा घोषित होता तो अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब समय नहीं बचा, तो अभी एक तय है। और जो जिस चेहरे की बात चल रही थी या जिस चेहरे के समर्थकों का दबाव था, तो पिछले 8-10 दिन से मैं देख रहा हूँ उनके समर्थक भी अब अपने आने वाले चुनाव के टिकट के लिए ये कोशिश में लगे, नहीं अब तो पार्टी देगी या पार्टी संगठन देगा, तो उनका भी कहीं जो झुकाव है अब वो संगठन के प्रति होने लगा है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 महिला नेताओं ने, एक अलका गुर्जर, सुमन शर्मा बिल्कुल उनकी, वसुंधरा राजे की कट्टर समर्थक मानी जाती है, लेकिन अब वो इस तरीके से और भी लोगों के नाम है, ये तो एक नाम मैंने गलती से ले दिया, ये सब संगठन की तरफ कहीं ना कहीं झुकते नजर आ रहे हैं। एक उनको लग गया कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व तो यही चाहता है कि सामूहिक नेतृत्व हो और संगठन उसकी अगुवाई करे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिस ढंग से कह रहे थे, उनका संगठन नीचे तक है, वास्तव में नीचे तक है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नीचे जैसे वो बता रहे थे पन्ना प्रमुख, बूथ लेवल पे हर बूथ पे इनका पन्ना प्रमुख भी है, लेकिन पिछले 1-2 बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए तो वहां कुछ बूथों पर तो बीजेपी के 0 वोट आए, इसका मतलब उनके पन्ना प्रमुख ने भी वोट नहीं दिया बीजेपी को। तो ये बीजेपी को सोचने वाली बात है, वो पार्टी उनका अपना काम है, वो देखें कि उनका पन्ना प्रमुख भी वोट पार्टी को नहीं दे पा रहा है, क्योंकि 0 वोट किसी बूथ पे आने पर तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी विफलता ही सामने आती है। लेकिन इसमें भी कोई दोराय नहीं कि बीजेपी का संगठन एक नीचे लेवल तक काफी मजबूत है, वो जिले वाइज जो अपना घोषणा पत्र जो बना रहे हैं वो लाएंगे। अब मीना जी, एक चीज और मैं आपकी जानकारी में सबको दे दूं, ये घोषणा पत्र जो पार्टियां घोषित करती हैं, जारी करती हैं, ये मतदान से 4 या 5 दिन पहले जारी करती हैं। पिछले 3-4 चुनावों से तो मैं देखता आ रहा हूँ ये घोषणा पत्र समितियां बनती हैं, बड़ी बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, बनाते हैं, और लेकिन नॉमिनेशन भी हो जाते हैं कैंडिडेटों के, सब प्रचार भी चलता रहता है, लेकिन जब मतदान होता है, दोनों पार्टियों के लिए कह रहा हूँ मैं, वो मतदान से कोई 5-6 दिन पहले ही उसको जारी करती है, तो उसके पीछे उनका अपना सोच होता है कि मतदाताओं को एन समय पर लुभाने वाली रणनीति होती होगी। पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति हो, वो अपने रणनीति से काम करते हैं, चुनाव में जा रहे हैं तो वो किस ढंग से उनको चुनाव जीतना है, किस समय पे क्या चीज जारी करनी है, ये उनका काम है। लेकिन यदि ये पहले से तय हो, लोगों को बताएं, तो ये भी एक अच्छी बात है, जनता उस पर अपना मानस बनाती है, वो सोचेगी, घर परिवार में समाज में बात करते हैं कि साहब ये चीज हमारे वादा किया है इस पार्टी ने, ये यहाँ लागू करेंगे, तो एक उसको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उनका सोच है। तो निश्चित रूप से जो वाला घोषणा है वो एक तरह से ये देख के हो रहा है कि अभी राज्य स्तर पे जो कांग्रेस सरकार है उसने इतनी सारी घोषणाएं मतलब जो लागू कर दी,
अमली जामा उनको पहना रहे हैं, वो जो प्रचार प्रसार चल रहा है उससे बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली तो मची है, इसीलिए वो नया है क्योंकि हम जिला स्तर पर लाएंगे तो जिले में वो डिजिटल लेवल पर आकर्षित करने वाली उनकी बात होगी, ये चीज सामने आती है। जी बिल्कुल। और अरुण शर्मा जी, ये बात बहुत, राजीव जैन जी ने बहुत ही गंभीरता से जिस बात को आपके सामने रखा है, क्या कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी जिस तरह से संगठन में काम कर रही, आपके यहाँ संगठन का मजबूत काम उतना नहीं है, इसमें कोई दो राय आपको भी नहीं होना चाहिए, जितना बीजेपी संगठन में जिला स्तर पर माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। अब घोषणा पत्र की जो तैयारी बीजेपी की है, आखिरी समय में जो घोषणा पत्र लाने की स्ट्रैटेजी होती है उससे इतर क्या आपकी पार्टी भी जिलेवार घोषणा पत्र पर विचार करेगी? क्या ये घोषणा पत्र आपके कैंडिडेट, जिस तरह से पहले नाम, इस बार मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 2 महीने पहले कैंडिडेट्स के नाम सामने आ जाएंगे, क्या घोषणा पत्र भी पहले तैयार होगा, सामने आएगा जनता के बीच में, कुछ स्पष्टता होगी उसमें, भले ही आपके पास इतनी सारी योजनाएं हैं गिनाने को? जी, सबसे पहले तो मैं इन दो भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूं कि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं है। बहुत मजबूत है। आज भी देश में एक एक गांव आपको मिलेगा जहां किसी न किसी झोपड़ी पे, किसी टी स्टॉल पे कांग्रेस का झंडा होगा, कांग्रेस का झंडा बरदार आदमी मिलेगा आपको। तो जो फुटप्रिंट है वो तो सर्वत्र है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। संगठन में भी जरूर कई बार संकट में रहता है कार्यकर्ता और अनसर्टेनिटी में जीता है, लेकिन फिर भी बिना निस्वार्थ कार्यकर्ता जिसे कहते हैं वो आपको कांग्रेस में बहुतायत तौर पे मिलता है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर मीता कि देखिए मुख्यमंत्री जो हैं उनकी कई लोग उनको जादूगर कहते हैं, कोई कुछ और नाम से पुकारते हैं, मेरी निगाह में उनका एक बड़ा छोटा सा फार्मूला है जादू का, वो है सतत संवाद। वो आदमी चैंपियन है लगातार जनता से संवाद रखने में, न केवल ये जनसुनवाइयां, साप्ताहिक जनसुनवाई या जहां भी वो दौरों पे जाते हैं वहां जनता से मिलते हैं, उनको छोड़ दीजिए, शायद ही राजस्थान का कोई ऐसा गांव कस्बा होगा जिसमें वो 5-6 आदमियों को बाय नेम नहीं जानते। तो जो फीडबैक है डॉक्टर साहब, वो बड़ा कंसिस्टेंट फीडबैक में विश्वास करते हैं और वो फीडबैक मिलता रहता है। घोषणा पत्र का भी मैंने कहा हम काफी गंभीरता से इसको लेते हैं, काफी कंट्रीब्यूट करते हैं लोग इसमें और तब इसकी घोषणा की जाती है। एक दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हो सकता है थोड़ी विषयांतर हो जाए, मैं दिल से चाहता हूं कि इनकी जो आकांक्षा पेटियां हैं उनमें कुछ सुझाव आए और कोई गतिविधि बढ़े इस दिशा में, क्योंकि मेरा जो डर है वो ये है कि अंत में इनके पास कुछ सेट फार्मूले हैं जो बहुत खतरनाक है। आप पिछले 2 महीने की 3 घटनाओं को देख लें, 1 महीने की देख लें, वो चाहे मणिपुर हो, चाहे चलती ट्रेन में फायरिंग करके 3 यात्री और 1 अपने ही अफसर को मारने की घटना हो, या कल परसों जो नू में पिछले हफ्ता हुआ है वो घटना हो, वो इंटरकनेक्टेड है। हवा में, फिजा में एक खास किस्म की घृणा और एक दूसरे के टॉलरेंस में शानदार कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है पिछले कुछ सालों में। जैसे वो ट्रेन की दुर्घटना है, एक छोटी सी एग्जाम्पल है, उसमें न केवल 3 दूसरे संप्रदाय के धर्म के लोग मारे गए, आप महिलाओं के प्रति जो कराते हैं वो भी कांग्रेस ही करवा रही है, जो महिलाओं की हत्या करवा रही है। मैं बात खत्म कर लूं फिर आपको मौका देंगे डॉक्टर मीना, कहीं ना कहीं रोल हमें इस विषय पर बात को आपने पूरे देश में जिस प्रकार से माधोराम जी देखिए महिलाओं का जिक्र आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के,
हम सब ने देखा है, वो छोड़ दीजिए बहस में। आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, तथ्यों पर बात करें ना। तो मणिपुर की घटना स्वीकार्य है, ना राजस्थान में जोधपुर की घटना स्वीकार्य है, लेकिन सरकारों के होते होते, कानून व्यवस्था के रहते भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और आप लोग इतना आराम से एक दूसरे पर छींटाकशी करके बचने की कोशिश करते, प्लीज इसे बंद करिए। नहीं, ये छींटाकशी की बात नहीं है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि हमने देखा है, एंड में अगर कुछ चीज सफल नहीं होती तो उस पर उतर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो हमने कर्नाटक में भी देखा, आप जब प्रधानमंत्री देश का बजरंग बली के नाम पे बटन दबवाना चाहता हो तो आप इसको छींटाकशी नहीं कहिए, सबने देखा है। सरकार है राजस्थान में, आपकी सरकार है, कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि ये जो चाहे या इनका जो मकसद है या जो इनका एजेंडा है, जो आपका कहना है, प्लीज आप लोग हवा में इस तरह की बातें ना करें। तथ्यों के आधार पर राजस्थान में आप इसे रोकिए, आपकी सरकार, इसीलिए जनता ने आपको चुनकर भेजा है कि आप ऐसे देखिए। हम सतर्क हैं, सरकारें कहीं भी हो, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, ये देखिए ये कुछ नहीं चलता है जब इनका ये चक्र शुरू होता है। बीजेपी की सरकार है हरियाणा में ना, क्या कर लिया हमने, जिन घरों ने इस हादसे को जिया है, इन हादसों को, इन हादसों का दर्द झेला है, राजस्थान की जनता के प्रति उत्तरदायी है। प्लीज आप लोग उन परिवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने ऐसे हादसों का दंश झेला है। प्लीज आप लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की बजाय तथ्यों के आधार पर बात करिए, कुछ और ज्यादा सूचनाओं के साथ जनता के बीच आइए, ताकि पता चले कि कांग्रेस और बीजेपी चुनावों में जाने के लिए जो खबरें प्लांट करती हैं, उन खबरों की सच्चाई और जमीनी हकीकत कितनी है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या कुछ निकलता है जिलेवार घोषणा पत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश सही होती है तो रास्ता भी निकलता ही है और कामयाबी भी मिलती है। कामयाबी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनकी योजनाओं के जरिए मिलेगी, या बीजेपी को उन तमाम कोशिशों के जरिए जो सत्ता से हटाने के लिए गहलोत सरकार को की जा रही है। जनता किसके साथ होगी समय बताएगा। हमारा मकसद है, हमारी कोशिश है हर दिन जनता को उन तथ्यों से अवगत कराना जिससे कि वो वोट देने जाते समय ध्यान रखे कि अपने मताधिकार का सही उपयोग किसके लिए करना है। न्यूज 24 में आज मेरे साथ इतना ही, शाम 6 बजे कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।